हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, अभी हम लोग जा रहे हैं, एक मेरी ननद है, उसका शादी है आज, तो अभी हम लोग निकल गए हैं। और अभी कितना टाइम हो रहा है, 10:25 हो रहा है। तो फ्रेंड, हमारे ब्लॉग में आप बने रहें, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और सुभोजित ड्राइविंग कर रहे हैं, देखिए। और बाबू बोलो कुछ, तुम कुछ बोलो, बोलो हाय फ्रेंड। हम भी बहुत एंजॉय करेंगे। क्या तो फ्रेंड, अभी जो सुभोजित जो कपड़ा पहना हुआ है ना, उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, बार बार ही हमको बोल रहा है। तो इसमें पहनने का क्या दर्द है दूसरा। कल रात में बारिश भी हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ठंड भी है इधर। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग तो आप तो जानते ही है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहे हमारे ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं रास्ते में। आज जो ये शादी हो रहा है ना, ये थोड़ा गांव एरिया में पड़ता है, गांव में हो रहा है। तो दिखाते हैं कि गांव में कैसे होता है शादी और हमारे कास्ट में कैसे होता है शादी, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए फ्रेंड ब्लॉग को, और जो भी ब्लॉग में नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही ब्लॉग हमारा मस्ती हो रहा डेली आपको हमारे यूट्यूब चैनल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए रोड को एंजॉय कीजिए और देखिए कैसा रोड और कैसे रास्ता है सब जगह, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग घुस गए गांव और देखिए कैसे रास्ता है यहाँ पे, कितना गड्ढा 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 रास्ता है ना। तो गांव साइड में ज़्यादातर ऐसे ही रास्ता होता है, ठीक है। और आगे देखिएगा और भी प्रॉब्लम भरा रास्ता है आगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं हमारे शादी के जगह पे, जहाँ पे शादी होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे जितने हमारे मोहल्ले के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग यहाँ पर उपस्थित। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ राहुल है, आंटी है, साइमन है, सैम है, यहाँ पे पिंटू है, विजय है, सबको यहाँ पे आया। और ये जो सेटअप देख रहे हो ना, यहीं पर शादी होने वाला है, क्योंकि चर्च तो थोड़ा सा यहाँ से दूर है, तो यहीं पर शादी होगा, तो इसीलिए इसको सेटअप किया गया। बाकी दूल्हा दुल्हन रेडी हो रहे, तब तक इन्जॉय कीजिए ब्लॉग को। अभी इधर नाश्ता पानी चल रहा है, नाश्ते में पूरी है, सब्जी और बुंदिया। तो फ्रेंड्स, देखिए आ गए यहाँ दूल्हा दुल्हन बैठ गए। एक्चुअली मैं नाश्ता करवा रहा था, तो ये लोग इधर आ गए, मैं आपको दिखा नहीं सका एंट्री वाला। तो देखिए यहाँ दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और अभी इन लोग का होगा शादी यहाँ पर। चलिए देखिए वीडियो। और यहाँ पर हमारा सारा फैमिली मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे अंकल जब भी शादी पढ़ा रहे उन लोग को, तो हम लोग को इसी तरह से नॉर्मल शादी होता है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ का मैं ऑडियो बंद कर दिया हूँ। यहाँ एक्चुअली अंकल पूछ रहे हैं मैंने लड़की से कि क्या आप इनको अपने हस्बैंड के रूप में ग्रहण करते हो, फिर लड़का से ये पूछा जाएगा।
और फिर इन लोग का रिंग एक्सचेंज करके उसके बाद इन लोग को पेपर में साइन करवाया जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक कोर्ट मैरिज जैसे होता है ना, जस्ट वैसे ही एक पेपर में यहाँ पे जो चर्च में रहेगा उसे साइन किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा कास्ट में शादी क्रिश्चियन में, ठीक है। तो होता है एक्चुअली चर्च में, बट चर्च बहुत दूर है यहाँ से, तो उतना दूर जा नहीं सकते ना, इसीलिए इनके यहाँ पर खुद घर के पास ही गांव में ही इनका सारा सेटअप बनाया गया और यहीं पर शादी हुआ, ठीक है। जैसे हम देख सकते हो, इसके बाद फिर जैसे वरमाला होता है वैसे वरमाला होगा और फिर इन लोग का शादी हो गया। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लड़का पहनाएगा लड़की को रिंग। इससे पहले अंकल उनसे पूछेंगे कि इनको अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट हो कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद वो रिंग एक्सचेंज होगा। सब होने वाला है वरमाला। फ्रेंड्स, अब है डांस करने का समय, जो सबसे मज़ेदार होता है। चलिए करते हैं डांस। तो फ्रेंड्स, ये शादी डांस, अब कमेंट करके बताइए कि आप लोग ये डांस देखे हो कि नहीं और जानते हो कि नहीं करने, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बोजित भी अभी चला गया है डांस करने, और ये डांस जो हो रहा है ना, इसमें बहुत ही मज़ा आता है, देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसका जो भी स्टेप है ना, सिर्फ पैर का स्टेप है। आप भी देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है डांस करने में, क्योंकि शूज जो है ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा पूरा उंगली जो था वो दर्द कर रहा था। उसी की वजह से वो स्टेप मेरे से हो नहीं पा रहा था। और ऐसा नहीं सोचना है कि वो मुझे नहीं आता, मुझे पूरा डांस आता है। जितने भी स्टेप्स इसके होते हैं ना, मुझे सब आते हैं। तो थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आ रहा था मुझे डांस करने में जगह पर।
फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये जो डांस, अभी वीडियो अपलोड हो चुका था बट किसी कारण इस गाने की वजह से यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा था मेरे, तो मैंने इस गाने को धीरे कर दिया है और कॉपीराइट क्लेम की वजह से फ्रेंड्स मैंने इसको धीरे करके दूसरा सॉन्ग इसमें अप्लाई कर दिया है जो म्यूज़िक है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है बार बार क्योंकि किसी का इस्तेमाल करने से, तो उसी तरीके से मेरा कॉपीराइट क्लेम आ गया था वीडियो पे, तो मैंने यहाँ पे साउंड को कम कर दिया है और यहाँ पर ऑडियो डाल दिया और अभी इसमें अलग से एक सॉन्ग डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया मेरे को, मैं उसको आउट के जब देखा तो देख रहा हूँ कि कॉपीराइट क्लेम आ चुका है इस जगह पे, इस सॉन्ग के लिए जब पुदीना का इस्तेमाल किया गया ना उस सॉन्ग की वजह से, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी आप डांस देख सकते हो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसको ट्रिम करके उस डांस वाला पोर्शन को हटा दूँ पूरे वीडियो से, क्योंकि सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगता है पूरे शादी में जो कि डांस है। ठीक है ना, तो चलिए पता नहीं कॉपीराइट क्लेम वो क्यों कर दिया, क्योंकि उतना तो उसका इस्तेमाल किए नहीं थे, बट जो भी है छोड़ो, उनका सॉन्ग है तो उन्होंने कॉपीराइट किया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इंजॉय करिए फ्रेंड्स, म्यूज़िक आएगा ठीक है, और इस पर आपको ये सॉन्ग सुनने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब ये पगला डांस का, तो देखिए पगला डांस ये हर शादी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्चुअल में शादी में जो डांस होता है ना उसका मज़ा ऐसे ही आता है, तो इन्जॉय कीजिए पगला डांस को। तो फ्रेंड्स ये कुछ फोटो है दूल्हा और दुल्हन की, मतलब मेरी बहन की और जीजा जी की मेरे, और ये हमारा ग्रुप फोटो। तो गाइस अभी हम लोग आ गए शादी से, जा रहे अभी घर, और बताते हैं वहाँ जा कर के क्या क्या हुआ है, घर जा कर के बताते हैं बाकी, क्योंकि रास्ते में अभी गाड़ी चला रहे ना तो इससे क्या, और शाम भी होने वाला, देखिए अंधेरा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए घर जा के आपको बाकी बताते हैं। ये देखिए बाबू। तो गाइस अभी हम लोग आ गए घर और अभी हम लोग खा रहे केक जो क्रिसमस का बना हुआ था, मेरी माँ भोगड़ी भी खा रही है, वहाँ बाबू के लॉलीपॉप खा रहा है। तो गाइस बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किए हम लोग, बहुत डांस वांस किए, बहुत दिनों के बाद डांस किए, और इसको आता नहीं है डांस करना, तो की ही नहीं, तो बहुत दिनों के बाद बहुत इन्जॉय किए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।